अस्सलाम वालेकुम, रेडियो चुनार 90.4 पर मैं हूँ आजे समानिया और आज मेरे साथ आलिया फारूक है और आलिया जो है वैली की फर्स्ट फिटनेस जिम ट्रेनर है और उनका भी श्रीनगर में अपना जिम चल रहा है फिटनेस सॉल्यूशंस। और आज हम जानेंगे आलिया से उनकी जर्नी के बारे में, कैसे आलिया एक ऑर्डिनरी लड़की से फिटनेस ट्रेनर बनी। लेट्स वेलकम आलिया। आपने हमें अपना टाइम दिया, सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। सो मेरा नाम आलिया फारूक है, आई एम द फर्स्ट फीमेल फिटनेस ट्रेनर इन द वैली एंड आई एम द ओनर ऑफ फिटनेस सॉल्यूशन जिम। सो आई स्टार्टेड दिस जिम आफ्टर माय पोस्ट प्रेगनेंसी, तो तब से क्या मैं लेकर अभी तक हम इसी फील्ड में चल रहे हैं। और जो मेरा स्टार्टअप हो गया जिम का, वो ये सोच के हो गया कि हमारी वैली में जो है बहुत ही फीमेल्स है, वो मेरी तरफ से पोस्ट पार्टम डिप्रेशन लाइक या वेट गेन की वजह से प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, और मुझे इसके लिए, क्योंकि मैंने आउटसाइड वैली वेट लॉस करा दिल्ली में, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे हमारी फीमेल्स को ही बेनिफिट, क्योंकि जब मैं रिकवर हो गई ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड ऑल द थिंग्स, तो मैंने ये उस टाइम सोचा कि मुझे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा ग्रो अप हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो मैं अपनी वैली के लिए एक जिम खोलूंगी जहाँ पे हमारी फीमेल्स जो है वो जिम तो जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती बिकॉज ऑफ द मेल ट्रेनर्स एंड मेल जिम। तो यहाँ पे वैली में खासकर डाउन टाउन शहर खास में हमारे अभी ऐसे फैसिलिटीज नहीं थी कि फीमेल ट्रेनर नहीं थी या जिम्स नहीं थे ओनली फॉर फीमेल्स। तो मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, तो उन्होंने भी बहुत ये हेल्प करा इसमें कि ऐसे ऐसा, तो फिर हमने ये स्टार्टअप करा ओनली फॉर फीमेल्स के लिए यहाँ पे 2010-11 में। ओके, तो मतलब ये मेन रीजन रहा आपका फिटनेस ट्रेनर बनने का। क्या आपका कोई और भी पैशन था? यूजुअली सबके डिफरेंट होते हैं कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, मुझे वो करना है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिसाइडेड कि नहीं अब इसी में आगे जाना है, या आपका पैशन कुछ और था बट डेस्टिनी जो है वो आपको जिम ट्रेनर बनाई और कनेक्ट कर दी इस प्रोफेशन के साथ? लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में थी ऑलरेडी, तो मैं जा रही थी बिकॉज मुझे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता था, वो मैं बहुत कम जाती थी। तो फिर जब मेरा जिम भी अच्छा खासा मतलब लोगों को रिजल्ट आने लगा और मैं फुल डे ऑक्यूपाइड हो गई जिम में, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि मैं ना ऑफिस पहुंच पाती थी, ना ही बच्चों को केयर कर पाती थी और ना ही मैं जिम में पहुंच पाती थी। तो ये मेरा रीजन रहा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया और उसके बाद मैंने पढ़ाई भी की, मतलब शादी के बाद मेरा एमए कम्प्लीट हो गया और मेरा शौक था कि मैं केएस के लिए जाऊँ, मतलब पढ़ाई ही मैं कंटिन्यू करूँ। जॉब का मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था या बिजनेस का मुझे कोई भी कंसेप्ट नहीं था कि मैं एटलीस्ट बिजनेस करूँ, और मुझे ये शौक था कि मैं बच्चों को अच्छे से खुद ब्रिंग अप करूँ। मुझे बिजनेस का बिल्कुल, मैं जॉब से भी तंग आ गई थी और मैं जॉब बहुत कम जाती थी ऑफिस बिकॉज ऑफ माई किड्स, क्योंकि मेरे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे तब। तो उसके बाद जब मैंने खुद, मैंने ये बताया पहले कि जब मैंने देखा कि हमारी फीमेल्स कितना लैकिंग है, कि वर्कआउट कितना अहम है एक इंसान के लिए, एक एक्सरसाइज कितनी मस्त है हमारी वैली में, इसके लिए हमें कुछ एक्सपोजर देना होगा कि लाइक कि मेरा वीडियो जब आगे वर्कआउट्स के और मेरे को जब देखते हैं तो सब लड़कियां बोलती हैं कि हम इसलिए आपके जिम आते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, दो बच्चों की माँ, 11 साल शादी को हो गया और लग नहीं रहा है। तो ये चीज हमें इंस्पायर करती है आपको देखकर कि नहीं, हमारी वैली में भी ऐसा है कि कोई बंदा है जिसने वेट लॉस करा है, मतलब ऐसा ये उनका मोटिवेशन आ जाता है मेरे जिम में आना। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखा जाएगा, अभी मैक्सिमम फीमेल्स इस चीज से डरती है कि जिम जाना अच्छी बात है नहीं, उनका हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहा है तो वो जिम हिट जरूर करते हैं। तो ये चीज मेरे को रही कि मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं था ना जॉब करने का ना बिजनेस करने का, लेकिन मैंने जब देखा ना कि मैं कितना लैक कर रही थी फीमेल जिम होना, मैं भी चाहती थी कि मैं वर्कआउट करूँ लेकिन यहाँ ओनली फीमेल जिम और फीमेल ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनर तो थी नहीं यहाँ कोई, तो उस वजह से मुझे दिल्ली जाना ही जाना था कुछ रीजन के लिए और मैंने वही पे वेट लॉस किया। लेकिन वेट लॉस के बाद और वर्कआउट से मेरी लाइफ कितनी बदल गई उस चीज को देखकर मैंने अपनी फीमेल्स के लिए, कश्मीर के लिए ये सब उठा। ओके, और मैं आपको कहूँ कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टेप उठाया आपने। आपको क्या लगता है कितना डिफिकल्ट होता है बीइंग अ मदर, घर भी संभालना और अभी आप माशाल्लाह आप काम भी कर रहे हैं साथ साथ, तो कितना डिफिकल्ट होता है दोनों चीजें एक साथ चलाना? बहुत ही ज्यादा, इसका कोई हद ही नहीं है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। उनकी जो मेरी कैंडिडेट्स है वो बोल रहे थे कि आपकी लाइफ कितनी ये है ना कि बिजनेस भी और छोटे दो बच्चे, फैमिली, अपना घर संभालना, कुकिंग एंड ऑल द थिंग्स, सोशल लाइफ, ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो। लेकिन मेरे में अब मतलब वो
मैं यूज हो गई ना इन चीजों के लिए कि लाइक पहले पहले स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैं कभी रोने पे आती थी, कभी मैं सोचती मैं क्विट कर लूंगी है क्योंकि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, मुझे मतलब किसी जगह पे पहले बच्चों को छोड़ना पड़ता था, कभी मम्मा को कभी किसी के पास, फिर सर्वेंट्स भागते थे या सर्वेंट्स अवेल नहीं होते थे टाइम पे, तो ये चीजें बहुत डिफिकल्टीज देखकर हमने, मैंने आज माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं वो समझते हैं, स्कूल गोइंग है तो थोड़ा बहुत उसे रिलैक्स मिल गया, मेरे बच्चे बड़े होने से थोड़ा रिलैक्स मिला, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम जिम में प्रेफर करती हूँ देना क्योंकि बच्चे अब खुद समझ पाते हैं बाकी चीजें, एंड बीइंग अ हाउसवाइफ बीइंग अ वाइफ ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिजनेस के लिए ऐसे, और ये जिम का जो है ये सुबह 5 या 6 बजे से कंटिन्यूस शाम के 8 बजे तक चलता है, तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्किंग तो मदर्स होती है लेकिन उनका 10 to 4 ऑफिस टाइम होता है, लेकिन ये तो फुल डे ऑक्यूपाइड है मेरा। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और चीज भी है ना कि आप वुमेन है, बीइंग अ वुमेन कोई चीज इम्पोर्टेंट यू नो जो भी हो और कोई चीज डिफिकल्ट होती ही नहीं है वुमेन के लिए, यू नो वी हैव टू बी मल्टीटास्क एंड हमें एग्जैक्टली और वी हैव टू बी परफेक्ट इन यू नो इन एवरीथिंग, वो आपने प्रूव कर दिया है, आप एक यू नो अपना घर भी देखती है, आप अपने चिल्ड्रंस भी देखते हैं और साथ साथ आप जिम भी देखते हैं, तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर नो आप कैसे अपने क्लाइंट्स को मोटिवेटेड रखती है और एंगेज रखती है। लाइक मेरा जो जिम है ना वो बहुत ही मतलब अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, मतलब बहुत ही अच्छा जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट आते हैं वो आती है जब आप पेन्स लेते हैं, लाइक कि आप उनको टाइम देते हैं, आप उनको वर्कआउट्स में बराबर हेल्प करते हो, तो मेरा ये रहता है कि मैं मतलब मुझे नहीं लगता अभी तक कोई मतलब खासकर जब से मेरे बच्चे ग्रोइंग होंगे, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा बहुत स्किप होता था जिम भी, लाइक वो बीमार बहुत रहते थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो जो मोटिवेशन बहुत कैंडिडेट्स में थी मतलब रिजल्ट भी उतना अच्छा, लेकिन जब से मैंने फुल फ्लज टाइम देना स्टार्ट किया, लाइक मेरे 2 आवर्स आते हैं जब मैं हर शिफ्ट में मेरा 1.5 से 2 घंटा जाता है, उसमें से मैं 1 घंटा स्किप करके अपने घर आती हूँ और घर में सारा मैनेज करती हूँ, तो उसमें जो है जो मैंने उनको टाइम देना स्टार्ट किया ना तो हमारे ट्रेमेंडस रिजल्ट आ गए, लाइक 18 kgs इन अ मंथ, 14 kgs, 10 से बिलो तो हमारा किसी का हो ही नहीं रहा अभी मंथ का वेट लॉस, बिकॉज मैं पेन्स ले रही हूँ उनकी, क्योंकि वो एक ना वो होप लेकर आते हैं, उनको बहुत सारा मतलब दवाइयाँ खाई होती है PCOS के लिए या थायराइड वेट लॉस के लिए, उनने सारे फॉर्मुलाज अप्लाई किए होते हैं, एंड लास्ट उनका क्या होता है क्योंकि जिम एक डिफिकल्ट हो जाता है एक लड़की को, समझते कि हार्ड वर्क करना है, डाइटिंग करनी है, तो ये तब जाते जब ये फेड अप हुए होते हैं ना सारे फॉर्मुलाज करके, तब जाते ये लास्ट में हिट करते हैं जिम, और मैं चाहती हूँ कि इनका ये जो है ना कंसेप्ट कि वेट लॉस या फिजिक बनाने के लिए जो है ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा हमारा जो माना जाता है जो अभी अलार्मिंग हेल्थ इश्यूज है बहुत सारे फीमेल्स में, लाइक PCOS, थायराइड या डायबिटीज या बहुत सारी बाकी चीजें, हार्मोनल इम्बैलेंस अभी फीमेल्स में आउट ऑफ 180 आ रहा है, तो हमारे उन फीमेल्स को वर्कआउट से काफी ज्यादा रिकवर मिला, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे विदाउट मेडिकेशन, उनका अच्छे से रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो उस वजह से हमारे जिम में प्रेफर करते हैं ज्यादा मैक्सिमम फीमेल्स आ रहे हैं। राइट, तो मैंने ये भी बताया आपको मोटिवेशन मेरा मेन होता है वो जब मुझे देखते हैं बीइंग या मदर ऑफ 2 kids एंड फिट एंड एक्सरसाइजेस जब करती हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि आपकी 4 surgeries आई हुई है और आप इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी वर्कआउट करते हो, तो हम में क्या है, तो वो उनको मोटिव करता है कि बीइंग मदर ऑफ 2 kids एंड 4 surgeries हो गई ये कितने अच्छे से करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाई, तो वो मुझे कॉपी कर रहे होते हैं, लाइक महरीन थी, बहुत सारी जिम ट्रेनर जो अभी वैली में है वो सारे मेरे स्टूडेंट्स है, तो उन्होंने मुझे कॉपी करा, इंस्पायर होके कॉपी करा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे जिम और भी खुलने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत सारी फीमेल्स आती है जो मेरी रेंज से बहुत दूर है, लाइक फिर बाग, सनत नगर, रावलपुरा, यहाँ HMT साइड से, जुकरा साइड से, मुझे बहुत क्वेरीज आती है कि हमारे लिए भी जिम खोलो, मैं तो एक सिंगल लेडी होके तो इतने ब्रांच पे पहुंच नहीं सकती हूँ और फैमिली भी है, ड्यू टू दैट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन फीमेल्स में जो चाहती है फिटनेस ट्रेनर बनना या इस फील्ड में आना, तो हमारी फीमेल्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि जितना जिम नजदीक होगा उतना कॉन्फिडेंट होता है, और एक फीमेल को जिम का टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वर्किंग मैक्सिमम हमारा पोस्ट प्रेगनेंसी फैट लूज करने के लिए लड़कियां आती है, लेकिन वो इन लॉज में होती है, वहां पे मैनेज करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, मेरा जिम दूर पड़ता है, तो इसीलिए अगर हमारे और भी जिम बहुत ज्यादा खुलेंगे हर लोकैलिटी में 5-5, 6-6 जिम खुलेंगे, तो हर फीमेल में भी 1 घंटा अपने लिए निकाले, क्योंकि जितना वर्कआउट अच्छा है हेल्दी रखने के लिए या बीमारियों से दूर रहने के लिए, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, मुझे नहीं लगता है कोई और मेडिकेशन या कोई और प्रोसेस होगा जिससे हम फिट रहे, मेंटली फिजिकली फिट रह सकते हैं। दैट्स ट्रू। वेल अगर हम अपनी कश्मीर वैली की भी बात करें तो यू नो आपको क्या लगता है कितना डिफिकल्ट है एक लड़की के लिए
यू नो ऐसा यू नो जिम एज जिम ट्रेनर काम करना, यू नो बैकलैश तो होता है. हम अगर वैली की बात करें तो यहाँ पे मतलब अभी बहुत ज्यादा है, राइट. आगे नहीं जाने देते हैं. बिल्कुल वो है कि मुस्लिम का वो जो कम्युनिटी है कि यहाँ पे बेपर्दा वो ऐसा जिम खोलना. लेकिन मेरे मैं बताती हूँ कि मुझे अपनी जगह लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारी फीमेल जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है जिसमें हमारी इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है, कि हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स है अगर वो वर्कआउट में नहीं करेंगे पीसीओएस पेशेंट होके तो उनके प्रॉब्लम जो होती है बढ़ती जाती है, वो कहाँ तक पहुंचती है, वो इनफर्टिलिटी तक पहुंचती है. तो मैं उनको उस चीज से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके लिए जिम खोला है ओनली फीमेल्स का रखा है ताकि वो सिक्योर एंड कन्वीनियंट फील करे. तो मुझे अपनी जगह बहुत ही प्राउड होता है कि मैंने इतना अच्छा स्टेप उठाया लाइफ में, अपनी सोसाइटी को हेल्प करना ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत खुशी होती है जब एक फीमेल खुशी खुशी बोलती है कि मेरा पीसीओएस खत्म हो गया, मेरा थायराइड खत्म हो गया, मेरा वेट लॉस इतना हो गया. इतनी खुशी मुझ में आ जाती है ना उसमें, चलो मैंने इसके चेहरे पे एक स्माइल ला के दे दी, ये मेरे लिए बहुत कुछ बहुत खुशी की बात है. क्रिटिसिज्म से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी बहुत टाइम तक, और क्रिटिसिज्म तो बीइंग सक्सेसफुल वुमन हो, एंटरप्रेनर हो, मैन हो, कोई भी हो, आप जब भी लाइफ में सक्सेस पाते हो तो क्रिटिसिज्म या बैकबाइटिंग तो आपकी होती रहती है. उसको मैंने बहुत ही काफी असाइड कर दिया, मैंने उसकी तरह नहीं देखा. अगर मैं वो देखती तो शायद ही मैंने कब का वाइंड अप किया होता जब, लेकिन मैंने उस चीज के लिए देखा क्योंकि मुझे पता है, मुझे होप है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये ऑप्ट किया कि मैं जिसमें अपनी फीमेल फॉल्क को मदद करूँ, उनकी हेल्प करूँ, उनकी काम आऊँ. सो आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अच्छा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे. Exactly. तो हमें सोसाइटी की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है कि इज आई एम डूइंग अ गुड, मैं अच्छा जॉब कर रही हूँ तो जाओ, अगर आप गलत कर रहे हो तो उस चीज को रोको, गलत करने से रोको खुद को, अच्छा करने से कभी नहीं रोकना चाहिए खुद को. कोई यूनिट खोलना है तो हमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, बट उसमें क्या थोड़ा वो टाइम प्रोसेसिंग भी होता है वो. तो अगर हम कोई आउटलेट तो हमें ADI यूज करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें लोन्स मिलते हैं जिससे हम अपना कोई भी ना स्मॉल स्केल यूनिट खोल सकते हैं. लाइक जिम खोलना है तो आपको जिम के लिए लोन मिल सकता है, जैसे कि अभी बहुत सारे ले रहे हैं जिम का लोन उसमें, या किसी वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं फिर वो चलता नहीं तो फिर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले. तो और वो ये हमारे जो अभी ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है वो एक मेन रीजन है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट. मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट और कोऑपरेट करें उन यूथ को जो कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनका मेंटल टॉर्चर बहुत ही ज्यादा, उसका फलाना का बेटा बहुत आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये लक भी होता है. और ये हम बच्चों को खुद डिप्रेस करते हैं और उनको हम खुद धकेल देते हैं ड्रग्स में. तो मैं उन पेरेंट्स से सजेस्ट ये करती हूँ कि हम उनको ज्यादा वो फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी से दूर रखें और उनपे प्रेशराइज करना बहुत ही कम करें, ताकि वो इन चीजों में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं सड़कों पे गिरे हुए ड्रग्स लेके. Exactly. बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है तब, तो बहुत अंदर से ना वो घुटन होती है कि इनके पेरेंट्स से क्या बीत रही होगी. तो हमें ऐसी चीजों को मतलब रोकना चाहिए, बच्चे को प्रेशराइज करना बहुत कम करना चाहिए कि उसके बेटे ने ये करा, उसके बेटे ने ये करा, वो आगे गया आप पीछे रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ. जब उसकी डेस्टिनी में लिखा होगा अच्छा तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन इन चीजों में उनको खुद अपने हाथों से ना धकेले. मैं एक ही लास्ट में आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप जो काम कर रही है, जो आप बैरियर्स तोड़ रही है, आप ऐसा काम कंटिन्यू करते रहे और हमारी वैली को और प्राउड आप फील कराए. वलालिया थैंक यू सो मच रेडियो चेन्नई के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए.